स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर चैप्टर के जो प्रीवियस 5 लेक्चर्स में हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन देंगे और इसमें आप सीबीएसई और उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो, इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज सीखनी होगी, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। ये दो चीज हमें सीखना बहुत जरूरी है और आज का हमारा ये डिस्कशन यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारे पास किसी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का 2 प्लेट गिवन है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने माना डी गिवन है, और इस प्लेट ए और ये प्लेट बी, इस पे चार्ज हमारा गिवन प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। जैसा कि हम जानते हैं, इस कैपेसिटर के अंदर इस रीजन में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी यू, और वो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी यू वो होगा हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं, जहां पे हमारे पास जो सी है वो होता है क्यू बाई वी। और इसको अगर मैं बात करूं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो सी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हमारे पास होती है कैपेसिटी का वैल्यू, इस वैल्यू को। और इसके साथ साथ हम ये भी तो जानते हैं कि वी जो होता है वो होता है ई डॉट एल, इसमें यहां से इस सी का वैल्यू और वी का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये रिलेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी का वैल्यू हमारे पास गिवन होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी का स्क्वायर, वी हमारे पास होता है ई स्क्वायर इंटू एल, का मतलब यहां पे हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है डी का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू 1/2, डी से डी स्क्वायर कैंसिल, तो ये मिला हमें एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर इंटू में डी। और एनर्जी डेंसिटी हमारे पास होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब ये कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब हमारे पास अगर मैं एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल यू से, तो ये हमारे पास मिलेगा स्मॉल यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी वी, वेयर डी यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। और अगर मान लो हमारे पास ये वॉल्यूम जो है वो 1 यूनिट हो जाए तो स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के इक्विवेलेंट आ जाएगी। सो, हमारे पास जो यू होगा वो होगा, हमें सबसे पहले अगर मैं इसका इंटीग्रेशन देता हूं तो हमें मिलेगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर मुझे यहां पे वॉल्यूम निकालना हो तो वो मिलेगा हमें एरिया इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बिकॉज अगर मैं इस प्लेट को ये वाला मान लूं और इस साइड वाली प्लेट को ये मान ले, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इन प्लेट्स का एरिया हमारे पास ए है, इसका मतलब कि इसकी जो प्लेट्स की ब्रिड्थ होगी और जो लेंथ होगी उसका एरिया हमारे पास ए आ गया, और हम जानते ही हमारे पास क्यूबोइड बन जाएगा, और क्यूबोइड का जो वॉल्यूम निकाल दे होता है लेंथ ब्रिड्थ इंटू हाइट। तो हमारे पास ए का एरिया दे रखा है, लेंथ और ब्रिड्थ दे रखा है, तो इंटू में डी हम कर देंगे। तो यू हमारे पास मिलेगा एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी।
ई स्क्वायर इंटू डी अपॉन वॉल्यूम होता है ए इंटू में डी। तो यू हमारे पास मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये हमारे पास आती है एनर्जी डेंसिटी यू, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सीबीएसई के लिए। ओके नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, और ये चीज में क्लासरूम स्टडी में पता भी है कि हम इसमें एक न्यूमेरिकल का एक ही टाइप करेंगे और बाकी का हम डीपी में सीपी में हम देंगे। ठीक है, तो सीपी जो तुम्हें होगी क्लास प्रॉब्लम्स के लिए वो तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और डीपी में यहां पे सोल्व करवा देता हूं। ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी, हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटी दे रखा है सी। ओके और विच इज इनिशियली अनचार्ज्ड, इनिशियली अनचार्ज्ड का मतलब होता है क्यों इनिशियल जीरो होगा, और इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन, और जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो हमारे पास होता है एप्सिलॉन। ओके नाउ विद ए बैटरी ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, और हमें बताना है कि इस चार्जिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास कितना हीट डिसिपेटेड होगा। ओके तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर निकालते हैं डेल्टा क्यू और चेंज इन चार्ज, क्योंकि जब तक हमारे पास चेंज इन चार्ज नहीं आएगा तो हम एनर्जी का डिसिपेशन नहीं निकाल पाएंगे। डिसिपेशन का मतलब उस प्रोसेस के अंदर कितना हीट लॉस हुआ है, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, चेंज इन चार्ज, और वो हमारे पास क्या होगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। जैसा कि हमें पता है कि जो क्यू होता है वो होता है सी इंटू में वी, और हमारे पास इनिशियल चार्ज जीरो दे रखा है। जब हम उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन के साथ में जब हम उसको पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो जो क्यू फाइनल हमारे पास मिलेगा वो होगा सी इंटू में एप्सिलॉन। क्या ये बात सभी को क्लियर हुआ? ओके अब जो डेल्टा क्यू हमारे पास मिला वो होगा क्यू फाइनल मतलब सी एप्सिलॉन माइनस इनिशियल मतलब जीरो। सो डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है सी इंटू में एप्सिलॉन। क्लियर, अब हमें निकालना है इसके लिए कि इसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। अगर मान लो इस कैपेसिटर को चार्ज करता है तो चार्जिंग प्रोसेस के अंदर उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हम जानते हैं कि जो W होगा वो हमारे पास होता है W इज इक्वल टू होगा हमारे पास कितना होगा Q इंटू में V, और इंटू में ये हमारे पास आता है कितना वर्क डन कितना हमें होगा इसके अंदर, और W का वैल्यू हमारे पास मिलेगा W इज इक्वल टू क्यू हमारे पास कितना है C एप्सिलॉन, और वोल्टेज कितना अप्लाई कर रखा है तुमने एप्सिलॉन, तो उसकी वैल्यू आती है C एप्सिलॉन का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया वर्क डन बाय द बैटरी। ओके WB लिख देता हूं फॉर बैटरी। अब ये तो हमारे पास आ गया कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन बैटरी के द्वारा किया गया है, और ये जो अमाउंट ऑफ बैटरी के द्वारा जो किया जाएगा वो हमारे पास होगा वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, उस कैपेसिटर को चार्ज करने में प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, और वो हीट रिलीज क्यों होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द फ्लो पैसेज ऑफ द टाइम करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो वहां से कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगा, और अगर मुझे यहां पे हीट रिलीज निकालना हो तो H इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू बी माइनस में डेल यू। यहां पे डेल यू क्या है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी स्टोर्ड होती है उस कैपेसिटर के अंदर। सो हमारे पास हीट रिलीज मिलेगा H इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, वो हमारे पास आया था C एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस हीट का वैल्यू हमें निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर पाएगा। जैसा कि
हम जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और वोल्टेज हमारे पास कितना है एप्सिलॉन, तो हीट रिलीज कितना आएगा हमारे पास सी एप्सिलॉन स्क्वायर, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर मिला 1/2 तो ये मिल गया हमें हाफ सी एप्सिलॉन स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो वहां से हीट की फॉर्म में डिस्पेच हो जाता है। क्लियर, इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये जो सभी प्रॉब्लम्स मैं आज करवा रहा हूं ये सारी हमें नोटबुक में नोट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी विच इज इनिशियली चार्ज्ड अप टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एप्सिलॉन। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है एप्सिलॉन, और हमें उसको चार्ज करना है। कनेक्टेड इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, और ये जो पोटेंशियल हमारे पास है और इस पोटेंशियल के साथ में हमने एक बैटरी करना है कनेक्ट, जिसका पोटेंशियल दे रखा है एप्सिलॉन बाई टू। और इस क्वेश्चन में कहा है कि सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। चलिए इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं। कैपेसिटर गिवन है, ये हमने कैपेसिटर माना, इसको कनेक्ट किससे करना है एक बैटरी से, और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब उसमें ये कहा है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल उस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट करवाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं इस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो हमारे पास होगा Q इज इक्वल टू सी इंटू ए एप्सिलॉन, बिकॉज यहां से हमें पता है क्या इज इक्वल टू सी वी होता है। ठीक है, इतना चार्ज हमारे पास इसमें स्टोर्ड है, और इसके अंदर से जैसे ही हम एक बैटरी अप्लाई करते हैं इसका जो पोटेंशियल एप्सिलॉन है और इसका हमारे पास एप्सिलॉन बाई टू। तो जैसा कि हमें पता है पोटेंशियल हमेशा फ्लो करता है हायर से लोअर, सो इसके अंदर जो फ्लो ऑफ द चार्ज होगा वो डाउनवर्ड में होगा। तो यहां से हमें ये पता लगा कि इसके अंदर जो चार्ज फ्लो करेगा वो हमारे पास कितना होगा इस पोटेंशियल की वजह से, Q इज इक्वल टू होगा सी इंटू में एप्सिलॉन बाई टू। ये हमारे पास चार्ज फ्लो करेगा, जिसमें से हम इसको तो बोलेंगे चार्ज हमारा कितना है इनिशियल चार्ज है, और ये हमारे पास कितना है फाइनल चार्ज है। सो यहां से हमें दो बात तो क्लियर हुई कि हमारे पास इनिशियल चार्ज मिल गया, फाइनल चार्ज मिल गया। सो डेल्टा क्यू कितना होगा हमारे पास, क्यू फाइनल माइनस में क्यू इनिशियल। ओके, तो क्यू फाइनल कितना आ रहा है हमारे पास सी एप्सिलॉन बाई टू, और माइनस इनिशियल कितना था सी एप्सिलॉन। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें हाफ एप्सिलॉन सी और विद नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि हमारे पास जो फाइनल चार्ज है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब डेल्टा क्यू नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो चार्ज है वो बैटरी से उसकी कैपेसिटर की तरफ नहीं गया, कैपेसिटर से बैटरी की तरफ आया है, मतलब बैटरी हमारा चार्ज हो रहा है। क्लियर है। अब उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी। पहला पार्ट में कहा है फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं डब्ल्यू बी हमारे पास होता है सी वी। ओके, तो सी हमारे पास दे रखा है कैपेसिटी सी, वो तो सेम रहेगा, और वोल्टेज कितना अप्लाई किया हमने अब एप्सिलॉन बाई टू, सॉरी डब्ल्यू बी का वैल्यू होता है क्यू वी। ओके, तो वी की वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू हो गया, और क्यू हमारे पास कितना आया था अभी यहां से ये, तो ये मिला हमें माइनस हाफ एप्सिलॉन सी इंटू में एप्सिलॉन बाई टू। ये हमारे पास आ रहा है, जब इसको हम कैलकुलेट करके सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर सी। ये हमारे पास आ गया वर्क डन बाय द बैटरी, और वो भी वर्क डन कैसा आया हमारे पास नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो हमें इसी सेम क्वेश्चन के अंदर अगर कैलकुलेट करना हो क्या चेंज। सेकेंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे से पूछा है कि
फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, इस बैटरी के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और इसमें फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, और थर्ड पार्ट में फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग, कि इसमें चार्जिंग प्रोसेस के अंदर कितनी हीट हमारे पास डिस्पेच हो रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो सेकंड पार्ट के लिए हम सबसे पहले तो हम W4 बैटरी निकालते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये आया हमारे पास माइनस ऑफ 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू में C। अब हम चाहते हैं चेंज इन एनर्जी निकालना, पोटेंशियल, वो हमारे पास क्या होगा, यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल फाइंड आउट करने का डेरिवेशन होता था वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब हमारे पास कैपेसिटी जो है दोनों के केस में वो सेम है, बट फाइनल केस में हमारा जो पोटेंशियल है वो होता है एप्सिलॉन बाई 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ सी एप्सिलॉन स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमारे पास इनिशियल में एप्सिलॉन था। सो डेल यू का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1/8 सी एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1/2 सी एप्सिलॉन स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सी एप्सिलॉन स्क्वायर कॉमन और 8 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ये मिलेगा हमारे पास 4, तो ये आंसर आता है माइनस 3/8 सी एप्सिलॉन स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया डेल यू की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा था फाइंड द हीट, और हीट के लिए हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है बैटरी के द्वारा वो होता है डेल यू प्लस हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, सो यहां से हीट प्रोड्यूस कितना आएगा, डब्ल्यू ऑफ द बैटरी डब्ल्यू बी माइनस ऑफ डेल यू, और वर्क डन बैटरी के द्वारा हमारा अभी आंसर जो आया था वो कितना था हमारे पास, वो आ रहा था हमारे पास माइनस ऑफ सी एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4, हाँ सेम है, माइनस डेल यू का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया माइनस माइनस प्लस 3/8 सी एप्सिलॉन स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास, तो ये मिलेगा हमारे पास 8 एलसीएम माइनस 4 एप्सिलॉन स्क्वायर सी प्लस 3 सी एप्सिलॉन स्क्वायर, ये मिला माइनस 1/8 सी एप्सिलॉन स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया प्रोड्यूस्ड हीट, वो होगा माइनस ऑफ 1/8 सी एप्सिलॉन स्क्वायर। ये था हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। अब हम ट्राई करते हैं एक अलग टाइप के न्यूमेरिकल का जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बिकॉज हमारे पास जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि कोई भी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों पे सेम चार्ज डेंसिटी है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछने के चांसेस होते हैं। सो हम इसमें एक नया टाइप का क्वेश्चन आता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटी ऑफ सी, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो डी दे रखा है, एक पे चार्ज है क्यू और दूसरे पे चार्ज है माइनस 3q। ओके, और इसमें कहा है कि फाइंड, फर्स्ट पार्ट में कहा चार्ज इन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, हमें बताना है इनसाइड में चार्ज कितना होगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो टोटल चार्ज हमारे पास किसी भी सरफेस पे होता है वो हमारे पास होता है, टोटल चार्ज जो होगा हमारे पास वो होता है दोनों का एलजेब्रिक सम, सो क्यू और प्लस 3q। ओके, अब इस चीज को हम सीखेंगे कैसे, हम जानते हैं कि ये वाला जो Q है प्लस और ये वाला है माइनस, तो सीधी सी बात यहां पे चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो हमने यहां से अभी लिखा था कि डेल Q जो होता है वो क्या होगा, Q जो फाइनल है माइनस ऑफ Q इनिशियल जो हमारे पास गिवन था, तो यहां से हमारे पास आंसर जो आएगा, अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, एवरेज Q वो हमारे पास मिलेगा Q माइनस 3Q अपॉन Q, तो ये कितना मिल रहा है हमारे पास 2Q। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल चार्ज हमने एवरेज कैलकुलेट किया वो कितना आया 2q। तो पहले पार्ट में उसने पूछा था हमारे से कि इनर में चार्ज बताओ, जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इक्वल अमाउंट का चार्ज इंड्यूस होता है, सो यहां से अगर हमारे पास प्लस 2q अगर जनरेट होगा तो यहां हमारे पास होगा माइनस क्यू और एक माइनस क्यू यहां जनरेट हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें हमारे पास जो चार्ज बना इसको हम बैलेंस कैसे कर पाएंगे, यहां पे चार्ज माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, टू क्यू, तो दोनों में चार्ज कितना आया, क्यू आ गया, यहां माइनस टू क्यू, यहां माइनस क्यू, दोनों में कितना आया, माइनस थ्री आया कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ इस कैपेसिटर के बीच में हमारे पास चार्ज कितना रहा है, प्लस टू क्यू एंड माइनस टू क्यू। अब ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया, कितना चार्ज इन साइड में, टू क्यू। सेकेंड पार्ट में हमारे से पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, हमें इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल बताना है, V इज इक्वल टू होता है Q बाई सी, और Q हमारे पास कितना है, 2Q बाई सी। पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास आता है, चार्ज फ्लो इफ द प्लेट्स आर कनेक्टेड। अगर मान लीजिए हम इन दोनों प्लेट्स को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो चार्ज है वो कहां से कहां तक फ्लो करेगा। अब देखो ये हमारे पास प्लस टू क्यू है, ये हमारे पास माइनस टू क्यू है। हम जानते हैं चार्ज हमेशा कैसे फ्लो करता है, प्लस टू माइनस। सो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, लेफ्ट टू राइट। ओके, फोर्थ पार्ट में कहा है कि एनर्जी लॉस बाय द कैपेसिटर इन क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो थर्ड पार्ट था हमारा कि चार्ज ट्रांसफर होगा लेफ्ट टू राइट, इसके अंदर हमारे पास टोटल कितना एनर्जी लॉस होगा, हम जानते हैं यू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी हमारे पास कितना आया था अभी, हाफ सी और वी स्क्वायर मतलब टू क्यू बाई सी का होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमें सी बाई टू इंटू में टू का मतलब यहां पे फोर क्यू स्क्वायर बाई सी, सी से सी कैंसिल, टू से ये कैंसिल, ये मिला हाफ क्यू स्क्वायर, और ये सॉरी सी स्क्वायर था, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये हमारे पास आता है आंसर। अब उसने क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट पूछा है, चार्ज फ्लोन इफ एनी प्लेट इज अर्थ। अगर मान लो इनमें से कोई भी एक प्लेट अगर हम अर्थ कर देते हैं, तो अगर मान लो पॉजिटिव वाली प्लेट को अर्थ करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसको बॉन्डेड कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करेंगे, ग्राउंड से इस प्लेट की तरफ। अगर हम इसको अर्थ करते हैं तो क्या होगा, यहां से एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो दोनों के केस में हमारे पास जो फ्लो ऑफ द चार्ज है वो